बदायूं नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराने हेतु आरओ व एआरओ और उड़न दस्ता स्टेटिक सर्विलांस टीम का डायट स्थित ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया गया। नामांकन का डाटा ऑनलाइन फीड करने हेतु कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश शर्मा द्वारा पीपीटी के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर्स को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में बताया गया अवकाश के दिनों को नामांकन किया जाएगा। नामांकन कक्ष में पूरे समय बैठकर कार्य किया जाएगा। शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन विजय कुमार सिंह ने आरओ व एआरओ को प्रशिक्षण के दौरान बताया कि नामांकन प्रपत्र प्ररूप 5 ख ग घ 5 ड प्ररूप 7 आपराधिक चल अचल संपत्ति शपथ पत्र प्ररूप 6 जाति प्रमाण हेतु शपथ पत्र प्रारूप 7 क राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के नामों के संबंध में सूचना प्रारूप 7 ख राजनीतिक दलों द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किए जाने की सूचना परिशिष्ट 56 प्रत्याशी द्वारा दिए जाने वाले निर्वाचन प्रतीक वरीयता जमानत राशि जमा करने का चालान फॉर्म निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रत्याशी अथवा उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ ये प्रारूप अभिलेख दिए जाएंगे। साथ ही नामांकन पत्र प्राप्त करते समय आरओ एवं एआरओ द्वारा प्रत्याशी या उम्मीदवारों से प्रारूप अभिलेख लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की रसीद व्यय लेखा रजिस्टर व्यय लेखा संबंधी निर्धारित रेट लिस्ट नामांकन पत्र प्राप्त होने के बाद उम्मीदवारों या प्रत्याशियों को दिए जाएंगे। उन्होंने नगर पालिका परिषद सदस्य पद के लिए आरओ के लिए बताया कि नगर पालिका परिषद में प्रत्येक 5 वार्ड पर एक आरओ नियुक्त किए गए हैं। इनके पास संबंधित 5 वार्डों की मतदाता सूची है। यदि कोई उम्मीदवार वार्ड संख्या 1 से पर्चा दाखिल कर रहा है वो वार्ड संख्या 1 की सूची में मतदाता है। यदि उम्मीदवार वार्ड संख्या 1 में मतदाता है वो वार्ड संख्या 2 से नामांकन करना चाहता है अर्थात यहाँ पर आरओ 1 ही है तो इस स्थिति में वो नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची को स्वप्रमाणित प्रति लगाएगा। यदि उम्मीदवार वार्ड संख्या 6 की मतदाता सूची में मतदाता है और वो वार्ड संख्या 1 से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो उसको जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय बदायूं से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर नामांकन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी क्योंकि इस स्थिति में आरओ बदले गए हैं। यह स्थिति मात्र नगर पालिका परिषद सदस्य पद में ही है क्योंकि नगर पंचायत सदस्य पद में केवल 1 ही आरओ नियुक्त है।